वहीं दौसा जिले से खबर आ रही है जिसमें चरागाह की 265 बीघा भूमि पर अतिक्रमणकारियों का फैला है जाल। रामगढ़ बछवारा में प्रशासन न्यायालय के आदेशों की अवहेलना भी की जा रही है, तो वहीं प्रशासन की अनदेखी के चलते अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। चरागाह भूमि पर अतिक्रमियों के सामने प्रशासन भी पस्त है, तो वहीं न्यायालय ने 2 माह में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, मगर 4 माह गुजर जाने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटा है। उपखंड रामगढ़ बछवारा के गांव सिसोदिया में चरागाह भूमि पर हो रहा है खेती कार्य और अवैध निर्माण, तो वहीं उपखंड प्रशासन की अनदेखी, न्यायालय के आदेशों की उड़ रही है धज्जियां, और चरागाह भूमि अतिक्रमण को लेकर समाज सेवी राम प्रसाद मीना पहुंचे हैं न्यायालय की शरण में। हाईकोर्ट जयपुर ने 23 फरवरी 2021 के निर्णय में चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, तो वहीं उपखंड रामगढ़ बछवारा प्रशासन ने न्यायालय के आदेशों को ताक में रखा है। साथ ही रामगढ़ बछवारा उपखंड कार्यालय से लेकर जिला कलेक्टर दौसा तक पीड़ित चक्कर काट रहे हैं। साथ ही साथ न्यायालय के आदेशों की अनदेखी के चलते प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान भी उठ रहे हैं। क्या मामला है? ग्राम सिसोदिया तहसील रामगढ़ बछवारा जिला दौसा में चरा का भूमि 165 बीघा है, जिस पर गांव के कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और उसको भूमि को जोत रखी है, मकान बना रखे हैं, घर बना रखे हैं। तो हमने लगातार रामगढ़ बछवारा तहसीलदार, एसडीएम और जिला कलेक्टर को लगातार इस बात से अवगत कराया गया है, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद हमने परेशान होकर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार से परेशान होकर हम कोर्ट के दरवाजे पर गए। दरवाजे पर जाकर हमने कोर्ट के आदेश निकलाया, जो आदेश निकालने के बावजूद भी हमारे जो लोगों ने चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रहा है उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुई है। और उस जमीन के आदेशों को कितने महीने हो गए? करीब 4 महीने हो गए। कितने लोगों के खिलाफ कोर्ट ने? करीब 22 लोगों के खिलाफ। क्या क्या नाम है उन लोगों के? उसके नाम है कालराम मीणा, भगवान साई, बलराम, सोजीराम, जनसीराम, ये नाम है। इन लोगों ने क्या कर रखा है? ये मकान बना रखे है जमीन पर, कच्चे झोपड़े हैं और बाहर रखी है जमीन को चरागाह भूमि पर। हाँ, तो क्या रामगढ़ प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करा? रामगढ़ प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। कोर्ट के आदेश आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तारीख के ऊपर तारीख हमको देते रहे हैं और लगातार कोर्ट के आदेश हम चक्कर काट रहे हैं रामगढ़ पचौरा में। तो तहसीलदार और एसडीएम साहब ये कह के भेज देते हैं, कार्रवाई हम कर रहे हैं हमारी।